मैंने कहा कि युवाओं ने मैसेज दिया था कि उनको रोजगार नहीं मिलता, तो आज कांग्रेस पार्टी ने उन सब युवाओं को जवाब दिया है। जवाब क्या दिया कि 3000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी देगी। 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल के लिए देगी, क्योंकि हम आपकी कठिनाई समझते हैं, आपकी मुश्किल समझते हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पा रही है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको मुश्किल हो रही है, इसलिए हमने आपके लिए कदम उठाया है। 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट के लिए, 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 साल के लिए, और हम वहां नहीं रुकेंगे, हम वहां नहीं रुकेंगे। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल के अंदर इस स्टेट में रोजगार दिखाने देगी, और 2.5 लाख जो सरकारी वैकेंसीज हैं उनको हम पूरा करके भर के कर्नाटक के युवाओं को दिलवाएंगे। यात्रा में महिलाओं ने अपनी कठिनाइयों के बारे में बोला, हमने पहले अनाउंस किया है कि 2000 रुपए हर महीने हम महिलाओं की कर्नाटक की महिलाओं को गृहलक्ष्मी स्कीम में दिलवाएंगे, और अन्नभाग्य स्कीम में 10 केजी चावल हर बीपीएल परिवार को कांग्रेस पार्टी दिलवाएगी, और गृहज्योति स्कीम 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली कांग्रेस पार्टी देने वाली है। तो ये हमारे वायदे हैं। एक और बात उठी थी यात्रा में, उठी थी जो वायदा सरकार ने किया है एससी रिजर्वेशन को 15% से 17%, एससी रिजर्वेशन को 3% से 7% जो बढ़ाने का वायदा है उसको एकदम सरकार को पूरा करना चाहिए। तो ये हमारा मैसेज।